अस्सलामु अलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं सना मिर्जा। और मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। दहशत गर्दों के खिलाफ दलेराना कार्रवाइयां करने वाला कराची पुलिस का सीनियर अफसर चौधरी असलम बम धमाके में शहीद। दर्जनों दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी किया और मुकाबलों में मारा भी। चौधरी असलम की बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्कॉट को लियारी एक्सप्रेसवे की चढ़ाई पर रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया। धमाके में 25 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। चौधरी असलम के साथ दो अहलकार शहीद और 11 जख्मी हुए। चौधरी असलम पर हमले की जिम्मेदारी का अलदम तहरीक तालिबान ने कबूल कर ली। तर्जुमान शाहिदुल्ला शाहिद का कहना है कि चौधरी असलम ने तालिबान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मुझे चौधरी असलम बोलते हैं, मैं इनकी नस्लों को तबाह कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर खून का एक भी कतरा है दहशत गर्दी के खिलाफ, मैं ये जांच जारी रखूंगा। चौधरी असलम खून के आखिरी कतरे तक अपने मिशन पर डटे रहे। पहले भी कई हमले हो चुके थे। IJSN शाहिद नदीम बलोच ने कहा है कि चौधरी असलम का खून रायगा नहीं जाएगा। चौधरी असलम की बेवा ने कहा है कि शहीद अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए ले जाने वाले थे, अगर वहां चले जाते तो रास्ता तब्दील हो जाता, लेकिन दफ्तर से फोन आया और रास्ते में धमाका हो गया। बुजदिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले कम नहीं होंगे, वजीर आजम नवाज शरीफ। चौधरी असलम की शहादत पाकिस्तान का नुकसान है, अल्ताफ हुसैन। सफा कातिलों ने मेरे बहादुर SP को शहीद कर दिया, बिलावल भुट्टो सरदारे। परवेज मुशर्रफ को दिल की तकलीफ नहीं है, 16 जनवरी को अदालत में हाजिर हो, ना आए तो मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे, खुसूसी अदालत। सदारती इस्तिस्ना खत्म होने के बाद आसिफ जरदारी वादे के मुताबिक एहतसाब अदालत में पेश। नैब रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मरकजी नहीं शरीक मुलजिम है फारूक एचनायक का मौकफ। जंग और जियो की इंतजामिया के खिलाफ एक TV एंकर की दरखास्त अदम सबूत पर मुस्तरद। एंकर का दावा था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। जंग ग्रुप के वकील कहते हैं ये पहली कामयाबी है। अंदाजा कर ले एंकर ने अपने प्रोग्राम में कितना झूठ बोला होगा। और शॉपिंग के मरकज दुबई में पाकिस्तानी बॉलर्स के खसारे वाले सौदे, 4 विकेटों के लिए 318 रन दे दिए। श्रीलंका को जयवर्धने की सेंचुरी की बदौलत 153 रन की बढ़तरी। आई एम करीना कपूर, आई नो इट, डू यू? वीडियो कॉल से मिसेज इकबाल मीलों दूर अपने प्यारों से मुलाकात करती हैं, क्योंकि क्यू मोबाइल में है जेली बीन्स 4.2 डुअल प्रोसेसर और 3.5 इंचेस लार्ज डिस्प्ले। क्यू मोबाइल A30 और A34 द फैमिली फोन्स। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। गेट रेडी फॉर बिग फन विद फ्रीगोटेल i7 3-inch extra large LCD with HD display. Get connected on Facebook with OneTouch. 1.3 megapixel camera. Frigotel i7. Fun for everyone. साबुन की जगह बोनस? अम्मा! इतनी फजूल खर्ची यहाँ नहीं चलेगी। साबुन से दोगुना सस्ती धुलाई चलेगी यहाँ? क्या जादू से करोगी? नहीं अम्मा, नए बोनस से करूंगी। सिर्फ बोनस ट्राई स्टार से मिले उजली धुलाई, साबुन से भी दो गुना सस्ती, दो गुना सस्ती, दो गुना सस्ती।
सारा कमाल तो बोनस का है। भाभी ने क्या किया है? लेके तो मैं ही आई हूँ ना। और तुझे कौन लेके आया है? वाह, क्या बात है बोनस की। तमाम इंजन ऑयल्स एक जैसे नहीं बनाए जाते, तो आइसोसिन टेक्नोलॉजी का हामिल डेलो गोल्ड अल्ट्रा अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। डेलो, आगे बढ़ने की लगन। मुझे चौधरी असम बोलते हैं, मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे घूमूंगा। मैं इनकी नस्लों को तबाह कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर खून का एक भी कतरा है दहशत गर्दी के खिलाफ, मैं ये जांच जारी रखूंगा। कराची में आज ईसा नगरी के करीब लियारी एक्सप्रेसवे पर कराची पुलिस के सीनियर अफसर को निशाना बनाया गया। उन पर खुदकुश हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें चौधरी असलम समेत तीन पुलिस अहलकार शहीद हो गए। कलदम तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। आप इस वक्त एनिमेशन देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनका काफिला रवाना हुआ था, और ईसा नगरी से वो रास्ता जो कि लियारी एक्सप्रेसवे की जानिब जाता है, यहां से उनका काफिला, आप उनकी गाड़ियां देख सकते हैं इस एनिमेशन में। जैसे ही वो लियारी एक्सप्रेसवे पर दाखिल हुए तो इसके इब्तदाई रस्ते में ही यह बताया गया है कि एक गाड़ी पहले से मौजूद थी और दो हमलावर आगे आए इस काफिले के सामने और उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ाया। इस वक्त आप ये एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें उस रस्ते की वजाहत की गई है कि कब ईसा नगरी से लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हुए इनके काफिले को निशान बनाया गया। कराची में ईसा नगरी के करीब लियारी एक्सप्रेसवे पर पुलिस के काफिले पर जो हमला किया गया, इस हमले में चौधरी असलम समेत तीन पुलिस अहलकार शहीद हो गए। कलदम तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस वाकये से मुतालिक एक रिपोर्ट देखते हैं। नस्लें अब याद रखेंगी कि मैं इनके साथ क्या करूंगा। तकरीबन 4:30 बजे का वक्त, जब कराची का गुंजान आबाद और मसरूफ इलाका गुलशन इकबाल और उसके करीबी हिस्से खौफनाक धमाके से लरज उठे। निशाना थे सीआईडी पुलिस के अफसर चौधरी असलम। एडिशनल आईजी सीआईडी इकबाल महमूद ने जियो न्यूज को बताया कि चौधरी असलम अपने कॉन्वॉय के साथ लियारी एक्सप्रेसवे पर जब ईसा नगरी के करीब पहुंचे तो उनकी गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। धमाके से उनके काफिले में शामिल पुलिस की तीन मोबाइलें और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरा नीले रंग के प्लास्टिक का ड्रम रखा गया था, जिसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उड़ाया गया। धमाके की जगह पर 5 फुट गहरा गड़ा पड़ गया, रोड में दरारें पड़ गई। धमाका इतना शदीद था कि सड़क के किनारे कंक्रीट ब्लॉक जड़ से उखड़ गए और चौधरी असलम की गाड़ी 20 मीटर दूर जा गिरी। पुलिस हुक्काम ने बताया कि हमले में चौधरी असलम के साथ पुलिस अहलकार फरहान जुनेजो और मोहम्मद कामरान भी शहीद हो गए, जबकि 11 अहलकार शदीद जख्मी हुए जो निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इस धमाके से मुतालिक आपने ये रिपोर्ट देखी। धमाका कैसे हुआ, वहां पर क्या सूरत हाल रही, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। तलहा, ये बताएगा कि असल वाकया क्या पेश आया? मेरे अकब में आप वो स्पॉट देख रहे होंगे जहां पर आज सीआईडी के एसपी चौधरी असलम को निशाना बनाया गया, वो इसमें शहीद हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, ये वो मकाम है जहां पर धमाका खेज मवाद को रखा गया था। इब्तदा में यहां पर ये इत्तला आ रही थी कि ये एक सुसाइडल अटैक है और गाड़ी के जरिए किया गया है। तमाम अब तक की जो इत्तला जो बीडीएस ने क्लियर किए हैं वो ये है कि यहां पर जो है वो एक कैन नुमा चीज अब तक की इत्तला के मुताबिक रखी गई थी, जिसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस है या मोबाइल फोन डिवाइस
سے ابتدائی معلومات کے مطابق اڑایا گیا, اور یہ ممکنہ طور پہ وہ کین ہو سکتا ہے جو کہ پانی کا کین, بڑے بڑے ڈرم استعمال کیے جاتے ہیں کیمیکل کے لیے اور پانی کے لیے. اگر میرے کیمرامین فرحان آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ یہاں سے تفتیشی اداروں نے اکٹھا کیا ہے جس مقام پہ وہ رکھا گیا تھا. اگر میں آپ کو وہ اسپاٹ دکھاؤں تو تقریباً 5 انچ گہرا یہ گڑھا پڑا ہے, اس کے ساتھ میں تقریباً 1.5 سے 2 فٹ چوڑا ہے. اس کے ساتھ یہ جو سڑک جا رہی ہے, یہ سڑک ہے لیاری ایکسپریس وے کی, اس پہ جو ہے دراڑے پڑ گئی ہیں, اتنا لیتھل یہ دھماکہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت دھماکہ ہوا تو یہ ایک کانکریٹ بلاکس ہے جو کہ یہاں پہ حفاظتی طور پہ لگائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو گاڑیاں نیچے نہ گرے. یہ کانکریٹ بلاک ہیں جس کی چوڑائی اوپری حصے کی تقریباً 6 سے 8 انچ اور نیچے کی چوڑائی تقریباً 1 فٹ سے زیادہ ہے. یہ کانکریٹ ہے, یہ پورا جو بلاک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑیں اس کی اکھاڑ دی اس دھماکے نے, اور یہ جو پورا بلاک تھا یہ پورا بلاک نیچے جا کے وہاں پر گرا جو کہ عیسی نگری قبرستان کے ساتھ ہی علاقہ ہے اور یہاں پر کچی بستی ہے. جس وقت یہ دھماکہ ہوا چودھری اسلم اپنے اسکواڈ کے ساتھ آ رہے تھے, جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچے ہیں تو ممکنہ طور پر انہیں اڑایا گیا ہے. اور جو میری تفتیشی حکام سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ممکنہ طور پہ ایک شخص یا دو شخص یا ملزمان ہو سکتے ہیں جنہوں نے آتے ہوئے دیکھ کر اسے اڑایا. اس کے بعد جب یہ دھماکہ ہو گیا تو یہاں پر ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا, اور ان کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے بعد یہاں سے گاڑی اڑتی ہوئی, یہاں پہ دھماکہ ہوا, یہ گاڑی اڑتی ہوئی اس مقام پر جا گری جس کو ابھی تفتیشی اداروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ ایک ویگو تھی, عمومی طور پہ چودھری اسلم ویگو استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے پاس ایک B6 پروٹیکشن لیول کی ایک بڑی گاڑی تھی جس کو وہ استعمال کرتے تھے. تاہم اطلاعات کے مطابق وہ گاڑی 2 دن سے ان کے پاس نہیں تھی. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ گاڑی بننے کے لیے گئی ہوئی تھی. اس بلاسٹ میں چودھری اسلم شہید ہوئے, ان کے ساتھ 3 پولیس اہلکار تھے, ان میں سے ایک کامران نام کا اہلکار تھا, فرحان تھا اور ایک اور اہلکار تھا, وہ اس میں شہید ہوا. ان کی جو 2 موبائل تھی وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی, گاڑی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی. اگر میں دکھاؤں تو جہاں پر یہ دھماکہ تقریباً 25 سے 30 میٹر سے بھی زائد فاصلے پر ان کی گاڑی اڑ کر گئی ہے. ان کی گاڑی کا ایک ٹائر یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ملبہ پوری اس ایریا میں سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا ہے. یہ ان کی گاڑی کا ٹائر ہے. جو شواہد اکٹھے کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے, تمام ہی تقریباً اساس ادارے انویسٹیگیشنز کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے شواہد یہاں سے اکٹھے کر لیے ہیں. طلحہ ہاشمی دھماکے کی جگہ سے صورتحال بتا رہے تھے. دھماکے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں, کیا معلوم ہو سکا ہے, یہ جانتے ہیں پروگرام ایف آئی آر کے میزبان فہیم صدیقی سے. فہیم, کیا اپ ڈیٹس ہیں, کن خطوط پر تحقیقات ہو رہی ہیں؟ جی جنید, اب تک دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک پلانٹڈ بم کے ذریعے کیا گیا ہے, اور اس موقع ایک موقع پر موجود کوئی شخص تھا جس کو اس چودھری اسلم کی مومنٹ کی پل پل کی خبر مل رہی تھی, اور یہ شخص جو ہے ممکنہ طور پر جو ہے 100 میٹر کے اندر اندر موجود تھا جس کے پاس ریموٹ کنٹرول تھا اس بم کا. کیونکہ اس میں یہ بات اب بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی موبائل فون استعمال نہیں ہوا, کیونکہ موبائل فون کی صورت میں جو ہے اس جگہ پر یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی ایکوریسی جو ہے اس کے ذریعے جو ہے اس ہائی ویلیو ٹارگیٹ کو اچیو کیا جا سکتا. اس حوالے سے اب تک یہ ہے کہ جو حملے کی تحقیقات میں جو روٹ پر لگے ہوئے کیمرے تھے جہاں سے گزر کر چودھری اسلم اس مقام تک پہنچے ہیں, وہاں پر جو ہے ان کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے, اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو مشتبہ افراد ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص جو یہاں ان کی مومنٹ کی خبر پہنچا رہا تھا آگے اسے چیک کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جو موقع پر موجود تھا انہیں چودھری اسلم کی مومنٹ کی پل پل کی خبر مل رہی تھی. اس حوالے سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جسے جیو فینسنگ کہتے ہیں کہ ایکٹیو فون نمبر جو اس بم دھماکے کے مقام پر تھے ان کی تفصیل بھی حاصل کی جا رہی ہے کہ وہ کون سے فون نمبرز تھے, آر بی ایس کے ذریعے اسے چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے فون نمبرز تھے جو اس مقام پر ایکٹیو تھے, اور یقیناً ان میں سے کوئی ایک نمبر جو ہے وہ شخص کا تھا جو یہاں پر ریموٹ کنٹرول کا بم جس کے ہاتھ میں تھا. بہت شکریہ آپ کا فہیم صدیقی. اسی افسوسناک واقعے سے متعلق ہم مزید بات کریں گے. اس وقت چودھری اسلم کی بیوہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. پہلے تو ہم بہت بہت معذرت چاہیں گے آپ سے, پوری قوم اس واقعے کے اوپر بہت ہی افسردہ ہے. یہ بتائے گا کہ آپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ یہ شہید اپنے بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے, اصل واقعہ کیا ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے پیش آیا, ہمیں بتائیں گے. وہ اپنے آفس کی طرف سے کال تھی, ان کو وہاں جانا تھا تو بچوں کی روٹ کا بچوں نے کہا چودھری صاحب نے ڈراپ کرتے کرتے وہاں سے نکل جاتا ہوں, روٹ چینج ہو جائے گا میرا. اچھا, تو نورین صاحبہ کیا ان کو پہلے بھی اس قسم کی دھمکیاں مل رہی تھی جان سے مارنے کی, کچھ ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیے گا. کہ ان کو دھمکیاں ہمیشہ ہی ملتی رہی ہیں, ان کی جو
मेहनत है, जो उन्होंने काम किए, जो कुर्बानियां दी, उसके अवज उनको धमकियां नहीं मिलेंगी तो और क्या मिलता। नौरीन साहब, पूरी कौम इस वक्त इस गम में आपके साथ बराबर के शरीक है। आज एक शहीद अफसर जिसके लिए पूरी कौम की आंखें अश्कबार रही, बताएगा कि क्या उनके अल्फाज थे इस जिंदगी के अख्तिताम से पहले, किस तरह से वो दहशतगर्दों से निपटने की बात करते थे। वो अपने अज़ाइम में हमेशा मजबूत रहे, कभी वो मेरा मुकद्दर है। जी नौरीन साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मुझे शहादत की मौत चाहिए, शहादत मेरा मुकद्दर है, मैं अपनी धरती के लिए काम करता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। किस किस्म के थ्रेट सुने मिल रहे थे नौरीन साहब, कुछ मालूम हो सका है कि आपको इस बारे में? टीडीपी की तरफ से थे कुछ, मेरे ख्याल में ज्यादा तो चांस नहीं के ही थे, क्योंकि इन्होंने पहले भी मेरे घर पे एक हमला कर दिया था। जी सारे सेफ हो गए थे, जब खुदा की मर्जी होती है तो बंदा बचता है। आया उस वक्त मेरे ख्याल में टीडीपी को ये समझ नहीं आई कि अगर उनका खुदा है तो मेरा खुदा नहीं है वो। अच्छा, कभी उनको जो भी थ्रेट्स वगैरह मिलते थे, क्या कभी उन्होंने आपसे इस बारे में डिस्कस किया था? जी फैमिली से डिस्कशन तो एक पठान मर्द, उसकी ये रवायत नहीं है कि वो अपनी बीवी के आगे बात करे। कम बेश बात होती थी, मुझे कहीं ना कहीं से कॉल पे, क्योंकि मैं सिक्योरिटी घर से तकरीबन गार्ड तमाम ने हाई अलर्ट करती थी, ऐसे नहीं ऐसे जाना होता है। जी चौधरी साहब तो बेगम बे सर्विस थे, उनको कभी भी ये इशू नहीं हुआ कि मेरे पीछे मेरी गार्ड है या नहीं। मतलब सही है, जो भी हुआ चलने वाला आदमी था, उसको खौफ नहीं था जिंदगी में। बिल्कुल, आपकी आपकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए। आज का ये दिन यकीनन आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगा, हमें खुद भी पूछते हुए तमाम बातें आपसे अच्छा नहीं लग रहा है। नौरीन साहबा, बच्चों के हवाले से वो क्या कहते थे, किस तरह से उनकी हिफाजत करनी है, क्या उनको मुस्तकबिल में देखना चाहते थे वो? जी मुस्तकबिल में क्या आप कह रही है? मुस्तकबिल में बड़ा होके उनको क्या देखना चाहते थे वो? मैं उनको किसी और ओहदे पे देखना चाहती थी, और वो अपने बच्चों को सिंध पुलिस में देखना चाहते थे, अपनी जगह पे। अच्छा नौरीन साहब, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, क्या वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते थे, क्या उसको तब्दील किया गया था, ये भी इत्तला आई थी कि उसमें कुछ खराबी भी थी? शाम का ये वाक्य है, नहीं मैं आईजी साहब से कभी कुछ ऐसा नहीं कहूंगी, उन्होंने हमेशा, बल्कि जो भी कराची की गवर्नमेंट है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। वाक्य अब नसीब का मामला है मेरे। अच्छा, बाकी मैं उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान में है थोड़े से दिन, तो बस उसके बाद मैं रहूंगी बगैर सिक्योरिटी के, मुझे कोई नहीं है, जब मेरी जिंदगी लिखी है जहाँ तो वहाँ दम मैं भी दूंगी। नौरीन साहब, पूरी कौम आपके साथ है, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। अच्छा, आपके मकान पे भी इससे पहले भी 2 से 2.5 साल कबल एक वाकया पेश आया था दहशतगर्दी का, जान से मारने की कोशिश की गई थी उन्हें, क्या मकान की तब्दीली के हवाले से भी कुछ मामला तय पाने थे? किसके? आप लोग जिस मकान में रिहायश पजीर थे, क्या उसे भी तब्दील करने के हवाले से कुछ काम किया जा रहा है? अक्सर हम लोग कभी कभार ना जगह चेंज अप करते थे, तो आज जब निकले घर से तो मुझे ब्लास्ट से 2 से 2.5 मिनट पहले उन्होंने कॉल किया कि मेरा दिल चाहता है कि आज हम यहाँ से चले जाएं, चेंज हो जाएं, मेरा दिल चाह रहा है। मैंने कहा तुम्हारा दिल चाह तो रहा है, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली, मेरा दिमाग नहीं मानता फिल वक्त। बस उन्होंने कहा जय चलो, जो आपकी मर्जी, जो बेहतर लगे, ये कह के फोन बंद कर दिया। उसके ठीक 1.5-2 मिनट के बाद ब्लास्ट हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन असलम साहबा। पूरी कौम आज इस दुख की घड़ी में आपके गम में बराबर की शरीक है, और हम ये चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा आपके इस अज़्म, आपके इस हौसले को हमेशा कायम रखे, और पूरी कौम इस अज़्म और हौसले के इस सफर में आपके साथ रहेगी और आपके लिए दुआगो भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिंध पुलिस एक बहादुर, निडर और दलेर पुलिस अफसर से महरूम हो गई है। कालादन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों से शोहरत पाने वाले कराची पुलिस के शहीद अफसर चौधरी असलम के करियर पर एक नजर डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसहरा से ताल्लुक रखने वाले SPCID चौधरी असलम नवंबर 1984 को बतौर ASI पुलिस में भर्ती हुए। मुख्तलिफ थानों में SHO रहे, कराची में 1992 और 96 के ऑपरेशन में भी अहम किरदार अदा किया। लियारी में गैंगवॉर ग्रुप्स के खात्मे के लिए टास्क फोर्स का सरबरा भी चौधरी असलम को बनाया गया। CID के इंसदादे इंतहा पसंदी सेल के सरबराह बनने के बाद से वो कराची में कालादम तंजीमों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे और दर्जनों दहशतगर्दों को मुकाबले में हलाक और सैकड़ों को गिरफ्तार किया। उन पर जाली मुकाबलों के भी इल्जामात लगाए गए।
تاہم ان الزامات کی تحقیقات کے بعد انہیں بے قصور قرار دیا گیا۔ چودھری اسلم نے پسماندگان میں بیوہ، تین بیٹوں اور ایک بیٹی کو سوگوار چھوڑا ہے۔ آئی جی سندھ شاہد ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ چودھری اسلم کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پولیس دہشت گردوں کے خلاف سرگرم رہے گی۔ اس واقعے میں اب تک تین کیجولٹیز رپورٹ ہوئی ہیں، دو کانسٹیبلز جو چودھری اسلم مرحوم کی اسکارٹ میں تھے، اور ایک کیجولٹی جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ ایک اسٹرینتھ دیتا ہے کہ ہم ان کے اس مشن کو آگے چلائیں۔ جس طرح وہ ٹیررزم سے فائٹ کر رہے تھے، ہم مزید ٹیررزم کے اگینسٹ اسی طرح اپنی فائٹ کو جاری رکھیں۔ کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، اور ہم نہ صرف انشاءاللہ اس کیس کو ٹریس کریں گے بلکہ آگے بھی ہم ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ کرتے رہیں گے۔ چودھری اسلم بے پناہ حوصلے، بہادری اور جرت کی وجہ سے سندھ پولیس میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ دہشت گردوں کے حملوں اور دھمکیوں کے باوجود ان کو کھلے عام للکارنے والے نڈر پولیس افسر کی شان ہی نرالی تھی۔ بہت سارے تھریٹ لیٹر تھے مجھے، مجھ پہ اٹیک کریں گے، سوتے ہوئے بچوں پہ اٹیک کریں گے۔ ہم نے بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ پکڑے، لشکر جنگی کے لوگ پکڑے، تھریٹ کار میرے کو تھی۔ اتنے مرد کے بچے ہیں، میں اسی روڈ پہ گھومتا ہوں، اسی روڈ پہ گھوموں گا، میں ان کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ چودھری اسلم پولیس کا وہ افسر جس نے پولیس کو تھانہ، کچہری اور دفاتر سے ہٹ کر ملزمان کے دو بدو کیا۔ چودھری اسلم نے ماتحت پولیس اہلکاروں کو محض احکامات نہیں دیے، بلکہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں پہلی صف میں نظر آئے۔ دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات ہوں یا ملزمان کی گرفتاری ظاہر کرنا، سفید قمیض شلوار پہنے یہ پولیس افسر ہمیشہ منفرد ہی نظر آیا۔ کالا دم تحریک طالبان کی طرف سے مجھے دھمکیاں تھیں، میرے پاس بہت سارے تھریٹ لیٹر تھے کہ مجھ پہ یہ اٹیک کریں گے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات کو سوتے وقت یہ تھی بزدلانہ کاروائی کریں گے۔ اپنے گھر پر حملے کے بعد بھی چودھری اسلم خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ دلیرانہ انداز میں دہشت گردوں کو للکارا۔ ان کی نسلیں اب یاد رکھیں گی کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ کالعدم تنظیموں کے خطرناک دہشت گرد ہوں یا لیاری کے گینگسٹرز یا پھر سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے وابستہ جرائم پیشہ عناصر، چودھری اسلم کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے۔ آخری دم تک دہشت گرد چودھری اسلم کا سامنا نہ کر سکے، بلکہ گھات لگا کر ان پر حملہ کیا۔ چودھری اسلم آج دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ کراچی کے پولیس چیف شاہد حیات اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد حیات صاحب، چودھری اسلم جیسے افسر آپ کی فورس میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، آپ ان کی شہادت پر کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا نقصان ہے آج؟ نو ڈاؤٹ جی، نقصان تو ہے، بڑا بہادر انسان تھا، دلیر تھا، جوان مرد تھا، شیر کی طرح رہا ہے اور مرا شہید ہو کر ہے، تو نقصان تو ہے۔ بٹ بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کی ہو رہی ہے، جس قسم کی جنگ ہے، تو اس میں نقصانات آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے، کبھی ہمیں جھٹکا لگ جاتا ہے، کبھی ان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بٹ ہمارے حوصلے بلند ہیں، شہید ہو کر مرے، وردی ہم نے پہنی ہوئی ہے اور قانون کا نفاذ جو ہے ہمارا کام ہے، تو اس میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ ہم سینے پر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح اللہ خیر کرے گا۔ جی شاہد حیات صاحب، ایسا پولیس افسر جو نڈر بھی ہے، بہادر بھی، لیکن اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہیں، اس کو دھمکیاں بھی بے شمار ہیں، اس کی حفاظت کے لیے انتظامات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے پولیس کا کیا میکنزم ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ لیکن جی چودھری صاحب جو تھے، ان کو تو کافی زیادہ تھریٹس تھیں، طالبان کی طرف سے تھیں اور بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھیں ان کی طرف سے بھی تھیں، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی بھی تھی، وہ انفارچونیٹلی جو تھی یہ بھی بلٹ پروف تھی لیکن اس لیول کی نہیں تھی، وہ انفارچونیٹلی اس نے خراب تھی تو ورک شاپ گئی ہوئی تھی، اور ساتھ میں ان کے پاس جو گارڈز وغیرہ ہیں وہ بھی تھے، تو یہی ہوتا ہے سیکیورٹی، تو باقی تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہیں چیزیں، وہ تو سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن ہمیں باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، جانا بھی پڑتا ہے،
शाहिद साहब ये फरमाएगा कि अभी उनकी एलिया से भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, इनका भी ये कहना था कि उनको थ्रेट्स मिलते रहे थे, आप भी ये कह रहे हैं कि उनको अक्सर बेशतर थ्रेट्स मिलते रहते थे, तो क्या उनके कातिलों का किसी तरह से कोई सुराग मिल सका है, इल्म हो सका है कि आखिर कब से वो उनको निशाना बनाने की ताक में थे? सर डिफरेंट लोग थे, जैसे मैंने आपको अभी पहले अर्ज किए कि डिफरेंट लोग थे जिसमें तहरीक तालिबान वाले थे, डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो गाये बगाये उनको थ्रेट्स मिलती रहती थी, बिकॉज वो जो काम कर रहे थे वो काम अगेंस्ट मिलिटेंट्स कर रहे थे, तो वो जाहिर बात है कुछ लोग हैं, ग्रुप्स हैं जिन्होंने थ्रेट्स उनको किए हुए थे, तो वो तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, बात आगे निकलेगी तो उस पर काम होगा, इंशाल्लाह कातिलों तक पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कराची के पुलिस चीफ शाहिद हयात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, चौधरी असलम जिनकी शहादत हुई, आज दहशतगर्द का निशाना बने। चौधरी असलम की मौत के ऊपर जो कराची के पुलिस चीफ शाहिद हयात थे, उनका यह कहना था कि यह सिलसिला पुलिस की जानिब से जानों के नजरानों का जरूर जारी रहेगा, लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। चौधरी असलम ने आखिरी कार्रवाई गुज़श्ता रात कराची के इलाके मंगूपीर में की थी, जहां उन्होंने मुबैना मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। इसकी तफसील शुएब बर्नी की रिपोर्ट में देखते हैं। सीआईडी पुलिस ने कलदम तंजीम से वाबस्ता मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर मंगोपीर के इलाके में छापा मारा, जहां मुबैना मुकाबले के दौरान 3 मुलजिमान जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि तीनों जख्मी मुलजिमान रास्ते में चल बसे। मुकाबले के दौरान एक सीआईडी पुलिस का एहलकार भी जख्मी हुआ। लांडी के इलाके में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को कत्ल किया। मजीद कॉलोनी लांडी के इलाके में एक इमाम बारगाह पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग की। मंगोपीर के इलाके में 4 पुलिस अहलकारों को इन मुलजमान ने कत्ल किया। मुलजमान गोला बारूद और ये जेटें हैंड ग्रेनेड लेकर आए थे, जो कि सुल्तानाबाद मंगोपीर में मुंतकिल कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने कोई दहशतगर्दी का मंसूबा बनाना था। एसपी चौधरी असलम का कहना था कि मारे गए मुलजमान का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था, जिनकी शनाख्त शहाबुद्दीन इमरान और सूरज जान उर्फ बीबीसी के नामों से हुई है। शहाबुद्दीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान लांडी का अमीर भी था। मारे गए मुलजमान के कब्जे से 2 खुदकश जैकेट, 2 9mm पिस्तौल, 50 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 1 किला मिली है। सीआईडी पुलिस ने मंगोपीर के इलाके में मुकाबले के दौरान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 दहशतगर्दों को मार दिया। एसपी सीआईडी चौधरी असलम का दावा है कि मुलजमान पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया करते थे। कैमरामैन अदनान अली के साथ शुएब बर्नी, जियो न्यूज कराची। चौधरी असलम के साथी पुलिस ऑफिसर सरबर कमांडो कहते हैं दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं, आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। असलम का मेरा तो बहुत गहरा साथ था, क्या कह सकते हैं, ये बिल्कुल बुजदिलाना कार्रवाई है, बेगैरत और ये बुजदिल लोग हैं, सामने आगे मर्दों की तरह लड़ते नहीं है। और असलम ने अपने वतन पे कुर्बान हुआ है, इज्जत की मौत गया है, तो वो यही कहता था क्या होगा, वतन की खातिर कुर्बान हो जाएंगे, और हम हैं पाक वतन पे कुर्बान होने वाले लोग। कभी नहीं डरा, कभी परेशान नहीं हुआ, वो कहता था जब भी मेरे सामने आएंगे मैं इनसे लड़ूंगा, अपने वतन की हिफाजत करूंगा। बड़े भाइयों की तरह था मेरे लिए, तो और मैं आज अकेला, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम दहशतगर्दों को, लड़ेंगे जब तक जान बचाने, लड़ेंगे इस वतन की खातिर लड़ते रहेंगे, लेकिन असलम के जाने से मैं बहुत अकेला हूँ। कराची में शहीद होने वाले एसपी सीआईडी चौधरी मोहम्मद असलम जिला मानसहरा के इलाके डोडियाल में पैदा हुए, उनकी शहादत की खबर सुनकर रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ताजियत के लिए उनके आबाई घर जमा हो रहे हैं। चौधरी मोहम्मद असलम मानसहरा के मजाफाती इलाके डोडियाल में मोहम्मद अकरम खान एडवोकेट के घर पैदा हुए। चौधरी असलम ने डोडियाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, जिसके बाद वो अपने वालिद के पास कराची मुंतकिल हो गए। चौधरी असलम के एक भाई मोहम्मद खालिद अब भी मानसहरा में अपने आबाई इलाके डोडियाल में ही रिहाइश पजीर है, जहाँ उनकी शहादत की खबर सुनकर रिश्तेदार दोस्तों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ताजियत के लिए पहुंचना शुरू हो गई है। वो एक नाडार बंदा था और शहीद हो गया, तो एक मेरा भाई भी था, पूरा हजारे को फख्र था उसके ऊपर, तो आज हजारा जो है पहले भी बेबस था और आज बहुत बेबस हो गया। खतरा तो कोई आदमी भी जब सही काम करता है तो उसको खतरा होता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे हजारे में ऐसा बंदा था
कि जिसने किसी बंदे के ऊपर क्राइमर के ऊपर हाथ डालते हुए आसरा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले कम नहीं होंगे। अल्ताफ हुसैन ने चौधरी असलम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी शहादत पाकिस्तान का नुकसान है। जाबाज पुलिस अफसर SP चौधरी असलम की शहादत पर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनको खराज तहसीन पेश किया है। वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ ने चौधरी असलम की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। चौधरी असलम की शहादत पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वाकये में मुलव्वस दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने एक बयान में चौधरी असलम के अहलखाना से ताजियत की और कहा कि उन्हें और उनके साथियों को कौम सलाम पेश करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने चौधरी असलम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इस डर बहादुर और ना झुकने वाला अफसर की जो शहादत है उस पे गमजदा हूँ। लश्कर जंगवी हो या तहरीके तालिबान का खुद हो, हर जो दहशतगर्द की तंजीम है उन पे हाथ डाला, बिला खौफ उनके खिलाफ एक्शन हुआ। चौधरी असलम एक बहुत बड़ा ब्लॉकेट था उनके लिए, वो एक टेरर था उनके लिए। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक पैगाम में कहा कि चौधरी असलम बहादुर आदमी थे, तहरीके तालिबान के सफा कातिलों ने उनके SP को शहीद कर दिया। सेनेटर शाहिद सैयद ने कहा कि दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए चौधरी असलम का खून रायगा नहीं जाएगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कराची धमाके की मजम्मत करते हुए सूबाई हुकूमत से वाकये की तहकीकात और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध ने चौधरी असलम के लवाहिकीन को 2 करोड़ रुपए और दीगर शहीद अहलकारों के अहलकानों को 20-20 लाख रुपए एक प्लॉट और नौकरी देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा है कि चौधरी असलम की शहादत से सिंध पुलिस एक बहादुर अफसर से महरूम हो गई। उन्होंने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर शहीद चौधरी असलम के लवाहिकीन को 2 करोड़ रुपए एक प्लॉट और एक नौकरी देने का ऐलान किया है, जबकि उनके अहलखाना की देखभाल भी हुकूमत सिंध करेगी। जख्मियों को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे, उनका इलाज सरकारी खर्च पर करवाया जाएगा। और बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हरदिल अजीज मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत ड्रीम होम गारंटीड लिव एंड ड्राइव द लक्जरी विद डेमेक बाय अ लक्जरी अपार्टमेंट एंड ड्राइव होम अ लैम्बोर्गिनी BMW और मिनी कूपर। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन ड्राइव इट। Get your dream home now. Demac Properties Dubai. Live the luxury. Jio News updates are brought to you by Rabiul Awwal ki khushi sabse achhi lagti hai. Har cheez mizan mein achhi lagti hai. चौधरी असलम पर हमले की तहकीकात जारी। रूट पर लगे कैमरों की वीडियो से मालूमात मिलने का इम्कान। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने वाला शख्स 100 मीटर के अंदर था। कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात ने कहा है कि चौधरी असलम शेर की तरह लड़ा और शहीद हुआ। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन जिस मायार की होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। और चौधरी असलम की बेवा नौरीन ने कहा है कि उनके शोहर ने हमेशा शहादत की ख्वाहिश का इजहार किया था। धमाके से 2 मिनट पहले फोन करके कहा कि ये घर तब्दील करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी माँ का शादी का दुपट्टा है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की अदालत ने जंग और जियो ग्रुप के इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए एक TV एंकर की दरखास्त अदम सबूत की बिना पर मुस्तरद कर दी। एक निजी TV के एंकर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की अदालत में दरखास्त दायर की थी कि जंग और जियो ग्रुप की इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में दावा किया गया था कि TV एंकर को टेलीफोन पर जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। अदालत ने दोनों फरीकों के दलायल तफसील से सुने। एंकर के पास अपनी दरखास्त में लगाए गए इल्जाम का सबूत न होने पर मौजिज अदालत ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने यह भी नोट किया कि TV एंकर अपनी दरखास्त में धमकी का वक्त और दिन बताने से भी कासिर रहे, जबकि दरखास्त गुजार के खिलाफ एक FIR दर्ज है
जिसका वो दिफा कर रहे हैं। ये एंकर पहले थाने गए थे, मगर थाने वालों ने अपने सवालात के जवाब न मिलने और मुतमईन न करने पर उनकी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद निजी टीवी के इस एंकर ने अदालत से रुजू किया। जंग के वकील से तबसरे के लिए कहा गया तो उनका कहना था कि इंशाल्लाह आप देखेंगे हमें मजीद कितनी कामयाबियां मिलती हैं। ये पाकिस्तानी अदालतों में हमारी पहली कामयाबी है। इस टीवी एंकर को बरतानिया में भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के तेज रफ्तार अदालती निजाम से अलग सजाएं मिलेंगी और हमें मजीद कामयाबियां मिलेंगी। गद्दारी केस की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद उन्हें 16 जनवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में संगीन गद्दारी के इल्जामात के मुकदमा की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने मुलजिम परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पर वकला के दलाइल सुने। परवेज मुशर्रफ के वकील शरीफुद्दीन पीरजादा ने AFIC की मेडिकल रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद मौकफ अख्तियार किया कि रिपोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दिल के आरजे में मुबतला है, उन्हें एनजियोग्राफी तजवीज की गई है। ये मुमकिन है कि दिल के इस आरजे के बायस उनके दिल का ऑपरेशन भी करना पड़े। उनका मौकफ था कि मुलजिम को हक है कि वो बेहतर इलाज के लिए बैरून मुल्क भी जा सके। शरीफुद्दीन पीरजादा ने परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लीक होने की इंक्वायरी करने की भी इस्तदा की। ये रिपोर्ट किसके दफ्तर से निकली? तो नेचुरली हमारा तो जो इशारा है कि वो प्रोसिक्यूटर ही के दफ्तर से गई होगी, क्योंकि हम तो डिफेंस वाले तो नहीं देंगे। इस्तगासा के वकला की टीम के सरबरा अकरम शेख ने जवाबी दलाइल में मौकफ अख्तियार किया कि मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिम की एंजियोग्राफी का इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन मुलजिम पाकिस्तान के दिल के इमराज के बेहतरीन अस्पताल AFIC में कई दिन से जेर इलाज है, मगर उसने एंजियोग्राफी कराने का इंतखाब नहीं किया। अकरम शेख ने कहा कि वो AFIC की मेडिकल रिपोर्ट को खुदाई सच मानते हैं, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहा गया कि मुलजिम अदालत में पेश होने के काबिल नहीं। अकरम शेख ने मौकफ इख्तियार किया कि मुलजिम की अदालत में हाजिरी जरूरी है, खा वो एक घंटे के लिए ही हो, इसके बाद वो बेशक गैर हाजिर रहे। फाजल अदालत को बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर 120, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 है, जो एक स्पोर्ट्समैन का ब्लड प्रेशर होता है। उनकी हार्ट बीट 53 है, जो एक 18 साल के नौजवान की होती है। अदालती फैसले में कहा गया है कि तीन समातों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दिए बगैर अदालत को महज जुबानी तौर पर बताया गया कि मुलजिम अस्पताल में है और इस बुनियाद पर इस्तिस्ना फराहम कर दिया गया। बिलाखिर अदालत को AFIC से मेडिकल रिपोर्ट मंगवाना पड़ी। इस समात के दौरान भी मुलजिम के वकला ने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े, लेकिन हाजिरी से इस्तिस्ना की कोई दरख्वास्त न की। और ये बात भी जाहिर है कि मुलजिम ने अदालती अहकाम पर अमल नहीं किया और अदालती समन्स का भी एहतराम नहीं किया गया। आईन तोड़ने पर संगीन गद्दारी के इल्जामात की फर्द जुर्मायत करने के लिए खुसूसी अदालत ने एक मरतबा फिर मुलजिम परवेज मुशर्रफ को 16 जनवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि अगर मुलजिम पेश ना हुआ तो फिर मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ शाहराए दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं एक और साबिक सदर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हो गए, लेकिन उन पर नैब रेफरेंसेज में फर्द जुर्माइद न की जा सकी। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अवैस यूसुफ जई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब के 5 करप्शन रेफरेंसेस की समाअत की। साबिक सदर की अदालत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मीडिया को भी कमरा अदालत तक न जाने दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी अदालत के बाहर मौजूद थी। पार्टी कारकुनों ने आसिफ अली जरदारी की आमद पर उनके हक में नारे लगाए। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अदालत में मौकफ इख्तियार किया है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने का कोई जवाज मौजूद नहीं। जितनी भी गवाहियां आई हैं, कोई मुशाहिद जो है, कोई भी किसी ने आसिफ साहब के खिलाफ बयान नहीं दिया है। कोई कागज ऐसे नहीं आया जिससे ये के पता चले कि आसिफ साहब पर जो एलिगेशन हैं इसके ऊपर कोई भी प्रूफ
अदालत में नहीं आया। इन केसेस के अंदर मेन एक्यूज थे, उनको अदालत बरी कर चुकी हुई है। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पोलो ग्राउंड के अलावा दीगर चार रेफरेंसेस SGS, कोटेकना, ARY गोल्ड और उर्सिस ट्रैक्टर रेफरेंस पर आइंदा समाअत 18 जनवरी को होगी। आइन के तहत हासिल इस्तिस्ना खत्म होने पर ऐवान सदर के साबिक मकीन आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर बतौर मुलजिम अदालत के सामने पेश हो गए हैं। उनके वकील फारूक एच नाइक का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने पहले भी कई साल तक इन मुकदमात का सामना किया और आइंदा भी अदालती फैसलों का एहतराम करेंगे। कैमरामैन एजाज हैदर और मोहम्मद यूसुफ के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज इस्लामाबाद। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन याह्या अब्दुस्समद की नमाज जनाजा फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में अदा कर दी गई। कैप्टन याह्या की नमाज जनाजा रावलपिंडी के इलाके लहतराड़ रोड के कब्रिस्तान में अदा की गई। कैप्टन याह्या जनूबी वजीरिस्तान में गुजश्ता 2 साल से फराइज अंजाम दे रहे थे और 8 जनवरी को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए। कैप्टन याह्या के भाइयों का कहना है कि उन्होंने शहादत से कुछ देर पहले फोन पर अहले खानों को बताया कि वो 10 दिन तक घर आएंगे। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सभी को भरोसा है ओमनी पर, क्योंकि अब आप ओमनी बात करेंगे दुबई टेस्ट के। दुबई टेस्ट में श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ 153 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। महिला जयवर्धनी ने टेस्ट करियर की 32वीं सेंचुरी स्कोर की। मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 1 विकेट पर 57 रन से आगे बढ़ाई। Gets his first boundary for the morning. पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग की बदौलत श्रीलंकन बैट्समैन रन का अंबार लगाने में कामयाब हुए। ओपनर कुशाल सिल्वा 5 रन की कमी की वजह से सेंचुरी न बना सके। वो 95 रन बनाकर मोहम्मद हफीज का शिकार हुए। महिला जयवर्धने ने शानदार बैटिंग करते हुए करियर की 32वीं सेंचुरी स्कोर की। जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 318 रन था। जयवर्धने 106 और कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 42 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। मेहमान टीम को 153 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। अगर आपके दांतों में ठंडे या गर्म से इलेक्ट्रिक शॉक जैसा झटका लगता है तो आपको भी इन लोगों की तरह दांतों की सेंसिटिविटी है। खिंचाओ हाँ, एकदम नसीब कांटे जैसे लगते हैं। ये यहाँ आए हैं एक जदीद और नए टूथपेस्ट कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ को आजमाने। इसे दांतों पर वहाँ मसाज करें जहाँ आपको ठंडे गर्म का झटका लगता है। एक और सिप लीजिए। अब कैसा लग रहा है? ये तो जादू हो गया। ये क्या चीज है? कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ में है जदीद प्रो आर्जिन फॉर्मूला जो सेंसिटिविटी की जड़ पर असर करे, खुली नसों को बंद करके सिर्फ 1 मिनट में आराम पहुंचाए। लंबे अरसे तक आराम के लिए हर रोज ब्रश करें। तो ये चीज बहुत चंगी लगी। खुद आजमा कर देखिए नया कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ, पहला और वाहिद टूथपेस्ट जो सेंसिटिव दांतों के दर्द से दिलाए फौरी और देर पर आराम। डेंटिस्ट का तजवीज करदा नंबर 1 ब्रांड। पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े हीरो सुल्तान राही को अपने परिसरों से बिछड़े 18 साल हो गए। जनरल जियाउलहक के मार्शल्ला दौर में अदाकार सुल्तान राही ने अपनी हर फिल्म में जालिमों और ताकतवरों के खिलाफ बंदूक उठाई। जेलें उसका घर थी, हथकड़ियां उसका जेवर। ये पंजाब ने तनु पागल समझ के कुछ नहीं आख्या, देखो जाए जाके किसे मजार से चादर चढ़ा। उस दौर में मौसीकी और शायरी भी मुल्क के मारूजी हालात की अक्कास थी। सुल्तान राही की फिल्म मौला जट उस वक्त रिलीज हुई जब रियासती जबर अपने अरूज पर था। तो सदा कंडा सा तैयार करने वाली कल कर। और अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़।